हिमाचल परिवहन मजदूर संघ रामपुर इकाई रामपुर ने निगम के शिमला बैठे निगम के कुछ नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इकाई अध्यक्ष हरीश कुमार व प्रदेश सचिव रविंदर सिंह ने बताया कि शिमला में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा पिछले कुछ दिनों से एक अधिकारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामले में निगम प्रबंधन तथा सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी की जा रही है, जबकि निगम प्रबंधन व सरकार उक्त मामले में जांच करवा रही है, लेकिन उक्त कर्मचारी इस मुद्दे को बहाना बनाकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इन कर्मचारियों ने अपने पद के मुताबिक कभी कार्य नहीं किया। ये कर्मचारी कई वर्षों से कुर्सी के चक्कर में उलझे हुए हैं। जब कोई अधिकारी इन्हें मूल कार्य करने के लिए दबाव बनाता है तो ये लोग छोटे छोटे बहाने बनाकर निगम प्रबंधन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। हरीश ने कहा कि पूरे प्रदेश में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने मूल पद पर काम नहीं करते हैं। जब भी सरकार और निगम प्रबंधन की ओर से उन्हें अपने डेजिग्नेशन वाले पद पर काम करने के ऊपर से निर्देश होते हैं तो ऐसे कर्मचारी निगम के अन्य कर्मचारियों को बरगला कर नेतागिरी शुरू करते हैं। मतलब डिपो पूरे प्रदेश में हर एक जगह मतलब इस तरह के कुछ छुटभैये नेता हैं जो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करते, अपने पद के अनुसार नहीं करते, और जब इनके ऊपर कोई अधिकारी करना कार्रवाई करने लगता है तो ये लोग मतलब इस तरह की बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो परिवहन मजदूर संघ रामपुर इकाई प्रबंधक निदेशक महोदय के साथ है जो इस तरह से उनको बदनाम कर रहे हैं। रविंदर सिंह सचिव परिवहन मजदूर संघ ने बताया कि रामपुर में बैठक की, जिसमें शिमला में कुछ कर्मचारी नेताओं द्वारा प्रदेश मुख्यालय में बैठकर की जा रही राजनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि शिमला में कुछ कर्मचारी अपने आप को जेसीसी नेता बताकर राजनीति चमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्महारी नेता भ्रामक बयानबाजी कर संशय पैदा कर रहे हैं। रविंदर सिंह, प्रदेश सचिव हिमाचल परिवहन मजदूर संघ। हम लोगों ने आज यहाँ अपने HRTC रामपुर डिपो में एक बैठक की और कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में हमने एक आजकल चला हुआ है मुद्दा हमारा स्टेट का, स्टेट में शिमला में हमारे कुछ कर्मचारियों का एक ग्रुप है, वो लोग अपने आप को JCC के पदाधिकारी बताते हैं और ऐसे एक कोई मुद्दा है किसी अधिकारी का भ्रष्टाचार का, उसके ऊपर सरकार और निगम प्रबंधन कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उसको बहाना बना करके आए दिन नई नई बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे संघ के पदाधिकारियों के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं और सरकार के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं और MD महोदय के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं कि सब, बल्कि जबकि सब लोग मतलब काम ठीक कर रहे हैं। और वो वेतन का एक मुद्दा उन्होंने उछाला है कि हमारे को वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि वेतन हर महीने मिल रहा है, बस थोड़ा लेट मिल रहा है लेकिन हर महीने वेतन मिल रहा है। और ये जो संगठन है मतलब ये पता नहीं रजिस्टर तो है नहीं है JCC, लेकिन कई दिनों से गायब थे, इनका कोई पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है, और कई मुद्दे हैं वो मुद्दे इनको नहीं दिखते हैं और ऐसे फालतू की बातों में लगे रहते हैं। जो मुद्दे हैं मेन मुद्दे हैं जैसे पीस मिल वर्कर्स के हैं, हमारे प्रचारकों को पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, और कई मुद्दे हैं, कई मांगे हमारी लंबित हैं, उनके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है और ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दों पर कर्मचारियों को बरगला रहे हैं। इन लोगों की शुरू में भी ऐसी पृष्ठभूमि रही है, जब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार होती है तो ये लोग जब उसके 2 साल बचते हैं तो ये लोग मतलब बिगुल फूंक देते हैं, इनके जो